लेकिन शादी के बाद औरत लड़के को क्या से क्या बना देती है। हमारी ज्योति जी बर्थडे गर्ल, हेलो हाय, कुछ मन बात आपकी भी बर्थडे आने वाली, फिर ऐसे आपका देखो ऐसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैफ हाल। सो आ चुके हैं हम लोग आप लोगों की पीछे किस्मत एक और व्लॉग लेके। सो इसलिए यहीं से नंगेपन में मैं शुरू कर रहा हूँ अपना व्लॉग। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। देख रही हो ये ऐसे लग रहा है, ये उल्टियां पुल्टियां पता नहीं क्या क्या किया है तुमने, क्या किया ये, तो सीरियस हो गया फिर ये। आज हम लोग जा रहे हैं, आज हमने सहरी भी बाहर की थी तो आज अफ्तारी भी बाहर है। ऐजा और आयशा दोनों की है बर्थडे, तो इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होना है। और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 5:30 तो हो गए। मेरे वो कह रही है मैं जाली मोलवी लग रहा हूँ, 5 टाइम का नमाजी बंदा मैं। फुश फुश बाबा, थूक निकल रहा है मेरे मुंह से, मुझे फील हुआ। लुक में आप लोगों ने उसको पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन शादी के बाद औरत लड़के को क्या से क्या बना देती है। बात तो सही है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मुसलमान था। इसके लिए जरा अपनी पुरानी पिक्चर्स लगाना जो आप शादी से पहले थे ना, तुम्हें कसम है। तो शादी के टाइम भी ऐसा लुक करता था? नो, बिल्कुल बहुत बार करता था मैं ना। सिर्फ मेरे कोलो जल रही है और कोई गप्पा गप नहीं है, और जाना है वहाँ पर, बुफे है, अफ्तारी है, तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। इधर देखो चूहा बोल रहा है, मैं हर दिन पता नहीं कहाँ पार्टियों में निकल के आ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, मेकअप तो चेक कर। रोजा खुलने में सिर्फ 5 से 7 मिनट हैं, तो बस पहले रोजा खोलते हैं उसके बाद देखते हैं कि, क्योंकि ये देख रहे हैं सारे जो इनका सेटअप है ना ये लगा हुआ है, ये भी बड़ा मजेदार होने वाला है। तो पहले रोजे की तैयारी करें क्योंकि 5 से 7 मिनट रह गए, सिर्फ 2 मिनट रह गए। और ये इनकी ना प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, तो इसलिए हमने कहा जल्दी जल्दी कर दो ताकि यार प्रिपरेशन पूरी हो जाए। क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि जैसे ही रोजा खुलता है ना सब पागल हो जाते हैं खाने के पीछे, सब हो जाते हैं, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कोई भी नहीं होता, सब ही हो जाते हैं। हमारी ज्योति जी बर्थडे गर्ल, हेलो हाय, हैप्पी बर्थडे। आपकी बर्थडे नहीं है? हाँ, आपकी बर्थडे कल है। ईमान की बर्थडे कब है? ईमान बताओ, ईमान आपकी बर्थडे कब है? 25 जुलाई को। और भाई की नहीं बता, नहीं बता। ये ना ये हमारी फैमिली के ना सारे अंग्रेज हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मतलब आयशा जो होगी वो 7 साल की होगी, आयशा जो होगी वो 3 साल की लग रहा है। कितना मुँह में डूपर हो गए, मगर आज मौलवी साहब अजान नहीं कर रहे। हाँ ना, चलो शुरू तो हो गया ना, आप लोग प्लेट डाल के थोड़े से डालेंगे हम इसमें चने, मैंने कुछ ज्यादा ही प्लेट नहीं भर ली, लालच बुरी बला है भाई। चलो 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 चलो, आज पहली बार ऐसा हुआ, पहले मैंने रोजा खोला है फिर मैंने दुआ मांगी है, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी कसम से। मुझे ये विंग्स कैसे हैं पता नहीं, इतने शोभा। मुझे पहले विंग्स, 1 मिनट का मैं विंग्स चाहूँ, मजे के नहीं। 2 मिनट देना, मैं खाली निपटा लूँ फिर मैं वापस आ रहा हूँ। अरे मेरे को ये मुर्गी की हड्डियाँ ना गालियाँ देने वाली हैं। क्या यहाँ पर हमारे पास है दही भले, चाट, खजूर, सूप और समोसे, रोल, पकौड़े, विंग्स एंड शामी कबाब, जो कि सारे हम लोग माशाल्लाह से निपटा चुके हैं। अफ्तारी थोड़ी सी करके ऊपर वाली चीज़ें खा के अभी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं खाने का, क्योंकि अफ्तारी अगर ज़्यादा खा ली ना तो नीचे जाके कुछ खाया नहीं जाएगा। तो कैबिन मिल गया, कैबिन मिल गया। वही वाला सॉन्ग याद आ गया मुझे, वो नहीं है आजकल जो चल रहा है, सिगरेट पीते हैं उड़ जाते हैं हवा में, और ही क्या, हाँ चल नहीं पिरोनी, फिर उड़ने लग जाता है सिलसिला ये जा। मैंने थोड़ा जैसी अफ्तारी फिर भी ज़्यादा कर लिया, मुझे और कम करनी चाहिए थी, मुझे सिर्फ टेस्ट करना चाहिए था। हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा उनसे पेट भरने की कोशिश की, मगर मैंने गलत किया, तो इसलिए अभी जाऊँगा और देखते हैं कि खाने में क्या क्या। नमाज़ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बैड न्यूज़ दे दूँ। बैड न्यूज़ ये है कि मेरी चप्पल टूट चुकी है और मेरे को बड़ा दुश्वारी हो रही है, सो इसलिए पहले जाके नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इतना ठोकूँगा ना मैं आज, इतना पेट में डालूँगा ना कि पेट भी बोलेगा पहले नमाज। तो ये हमारा बुफे स्टार्ट हो चुका है, जिधर इसमें हमारे पास है मिक्स सब्जी, जैसे कोरमा हो गया, हो गई मैक्रोनी, चिकन कढ़ाई, ये हो गई बिरयानी, रेशमी कबाब और चिकन बोटी है सर, वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो भाई ये आइटम तो हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं, मगर अभी वही वाली बात है, मेरा देख देख के ना पेट आधा से ज़्यादा तो भर गया,
मगर इंशाल्लाह मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दबा के खाऊं, क्योंकि पैसा हलाल करना है हमने। चलो टूट पड़ो, आ जाओ भाई सब सब। यहाँ पर हो चुका है शुरू, मैं जरा अपनी प्लेट वगैरह बनाऊं। लिहाज ही नहीं कर रहा भाई जान, दबा रहे तो हम क्यों पीछे रुके, चलो हम भी दबाते हैं। भाई ये मेरी कोल्ड ड्रिंक है, आपको कहाँ से मिली? ये लो, तुम बच्चा था मालो। हम लोग का बस यही है कि प्लेटें भर भर के दें हमारे भाई, और कुछ नहीं रहेगा। मेरा तो देख देख के ही दिल भर गया कसम से। सही प्लेट, हैवी प्लेट आई है। और एक कोरमा वगैरह भी ले आऊं? नहीं, चाइनीज पहले देते हैं इसको, कढ़ाई का टच। ये लो बेगम, ये लो दबा के खाओ। तो ये पहनो ना, इधर लाओ, ये ले जाएगी आयशा, वरना पहन लो ये। ये देखो ऐसे कितनी प्यारी लग रही है, देखो मैं चेक करूँ थोड़ा सा। ये चम्मच से एक्सचेंज हुई बिरयानी, और लौंग निकाल, लौंग ठीक भी है, मतलब नीचे ऊपर से समझा नहीं मैं। इसके ऊपर वो डाल के लाऊं गरीबी। लो आ गया तुम्हारा कोरमा इसके ऊपर, ठीक है। क्या हुआ है, मेरा देख के ही पेट भर गया कसम से, मेरा दिल ही नहीं करा खाने को। कह रही पार्सल कर लेना, चूहा के लिए पार्सल। इसको मेरे को दे दो, तुम खा लो। तो इसको हुआ है। नहीं, क्या हुआ यार, या अल्लाह पाक मुझे शक्ति दे खाने की। कबाब चेक करवाना मेरे को, कबाब टैक्सी है, टैक्सी नहीं सॉरी, मज़ेदार है, टेस्टी है, कढ़ाई का मज़ा नहीं है, कबाब टेस्ट। गोरमे देना मेरे को, गोरमे का अलग ही टेस्ट होता है यार, नो डाउट। सबको खाना खाते देख के ना मुझे इतनी जलन हो रही है ना, पता नहीं मेरा देख देख के ना दिल भर गया, इसलिए मेरे को बुफे पसंद नहीं है। बुफे में जब जाओ ना, इंसान का देख के ही दिल भर जाता है यार। मेरा तो पता नहीं, जब माएँ खाना खा रही हो ना, तो बेबीज़ ऐसे ना कंधे पर आ जाती हैं। इसको लग रही है गर्मी, क्योंकि ये मोटे कपड़े पहन के आई है, और इसको ला रही है बहुत ज़्यादा पसीने। इसको बेचारी को पसीने पसीने क्या हुआ आपको? चलो बस अभी वो टाइम आने वाला है केक कटिंग वाला, तो केक कटिंग वटिंग करके घर वर जाते हैं, क्योंकि घर नहीं जाते, थोड़ा इन्जॉय करेंगे उसके बाद देखते हैं। हम अभी फोड़ने जा रही हैं क्या लब्बे शीरी? अच्छा देखो, ये तीन आइटम्स हैं हमारे पास, हमारे पास है लब्बे शीरी, एप्रिकॉट और शाही टुकड़े। तो ये शाही टुकड़े जो अम्मी डाल रही है ना, ये बड़े टेस्टी होने वाले हैं, क्योंकि इसका ओए ये देखो, साफ क्यों कर रही हो? साफ तो है, गीली थी ना सारी, गीली थी जी। इसमें किसी ने थूक फेंका होगा। अब हट गंदा, अभी इसके अंदर थूक वाला लब्बे शीरी खाओगी तो कैसा फील हो? इधर आओ, मैं चम्मच दूं, इधर आओ, मेरे को भी करवाओ, खुद भी करो, टूट जा भाई। कुछ और ट्राई करो, अभी दूसरा आइटम आ रहा है, वो ट्राई करते हैं वो कैसा। मेरा चम्मच कहाँ गया? तो अब जरा टेस्ट करवाओ मेरे को। ये क्या है? ये एप्रिकॉट है? नहीं नहीं, ये एप्रिकॉट है। तुम्हें पता मेरे को मीठा वैसे नहीं पसंद। क्या ये पता नहीं, ये सबसे टेस्टी इसका फिर भी टेस्ट है। कुछ हो गया बस, मेरा कुछ नहीं, अभी बस केक कटिंग और केक बटर होगा और नथिंग एल्स। चुआ क्या खा रहे हो? तो ना सूखी रोटियां बड़ी पसंद है भाई। इसे खा रही, इधर देखो, इसको ना कस्टर्ड खाने में इतना मजा आ रहा है, कस्टर्ड नहीं एप्रिकॉट खाने में इसको इतना मजा आ रहा है ना, मिक्स करके खाए जा रही है। बच्चों की मतलब कि ना सारी चीज़ें, ये देखो कुछ पार्टीज यहाँ चल रही हैं भाई, ये तो बर्थडे गर्ल है भाई, ये तो अलग ही बैठी हुई है, सुबह से कह रही है मैं किसी को लिफ्ट नहीं दे रही है ना। किसकी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे टू यू। इसकी बर्थडे भी आने वाली है ना कुछ दिन बाद, कुछ मंथ्स बाद, सॉरी कुछ मंथ बाद आपकी भी बर्थडे आने वाली है। फिर ऐसे आपका देखो ऐसे, ये कह रही है मेरे को लग रही है गर्मी और मुझे जाना है घर। दोनों क्यूटीज का ना दो बहुत प्यारा सा केक आ चुका है। वन क्यूटी इज दिस, आयशा खड़ी हो जाओ आयशा। एक क्यूटी ये है, अरे एक क्यूटी ये है, और ये है इनका प्यारा सा केक। केकिंग बस इसका ना अब ये बहुत बिजार हो चुकी है, कह रही है बस मुझे जाना है बस। बोले Happy birthday to you. ओए भूख तो मारी नहीं भाई, क्या छोटी बार ये देखो तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ। ये नेल पॉलिश है क्या? नहीं ये ब्रश है। ब्रश कैसा? ब्रश ब्रश मजेदार है। हाँसी आ रही है। टू चलो चलो चलो
भाई यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग बस बर्थडे, जितनी भी हो चुकी थी हो गई है, अभी घर जाके बाकी बातें करते हैं आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हब्स हो गई है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये चारों तरफ से ना ये बंद है, तो इसलिए ना हब्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए अभी बस ये है कि के सारा बुफे हुआ तो सीन हो गया, तो फिर बाकी बातें करते हैं आप लोगों से घर जाके, क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर ज़्यादा बच्चों ने मचा दिया, तो स्टे ट्यून्ड। हेलो, हम लोग आ चुके थे घर, घर आने के बाद हुआ कुछ भी नहीं, बस अभी बैठे थे, मैंने बोला सोचा मुंह हाथ धो लूं, मगर पहले मैंने ये सोचा कि मैं तुम लोगों से कुछ बात कर लूं, मुझे पता है बोनी पोनी बहुत जहर लग रही है, बर्दाश्त कर लेना मेरे को थोड़ी देर। चुआ, नहीं भाई चुहा सोया हुआ है। लोग एक काम करो यार, बहुत सारा काम पड़ा है, काम कैसे पड़ा है, ब्लॉग एडिट करना है और बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बनाने हैं, बहुत सारा काम है, तो इसलिए जब तक आप लोग एक काम करो, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके निकल लो, तब तक मैं जब वापस आऊँ तो वापस आ लेना, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल, वापस टेक केयर फॉर माय लाइफ।